Hi viewers, welcome to my channel. Today I'm going to share with you a very simple yet nutritious recipe, that is dal dalia along with lot of veggies. This is a wholesome meal. This will give you ample energy and good vitamins and minerals that you get from veggies. This is good for all the age groups and yet very easy to make. And this is a very good meal for Weight Watchers also. So let's start with our recipe. बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे वो है दलिया, एक बड़ा बाउल दलिये का, एक छोटी कटोरी मूंग धुली दाल। तड़का लगाने के लिए हमने लिए हैं बारीक कटे हुए प्याज। सब्जियों में हम लेंगे पंपकिन या कद्दू, फ्रेंच बीन, मटर, कॉलीफ्लावर या गोभी, शिमला मिर्च, आलू और खीरा। गार्निश करने के लिए मैंने लिया हरा धनिया और वो बारीक काट के रखा हुआ है और ऊपर से डालेंगे नींबू। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है शाही जीरा और उसके साथ मैं डालूंगी करी पत्ता। और ये तड़का मैं देसी घी में लगाऊंगी, आप इसको किसी भी कुकिंग ऑयल में लगा सकते हो। और डालूंगी ओनली स्पाइसेस विच आई विल यूज इट, पिंक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। पहले हम पैन को गरम करेंगे और दलिये को बिना ऑयल के रोस्ट करेंगे। यह अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसको गैस बंद करेंगे और दलिये को अलग से निकालेंगे। इसको भी हमने बिना घी या तेल के रोस्ट करना है और तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती और इसका रंग हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ही टेस्टी बनता है एंड यू वुड लव टू ट्राई इट अगेन एंड अगेन। और ये दलिया फुल ऑफ फाइबर है, इट्स अ फुल मील, फुल बैलेंस्ड मील। तुम्हें और कोई भी सब्जी या दाल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इस दलिये पे तुम नींबू निचोड़ के और खाओ या दही के साथ खाओ, यू वुड लव टू हैव इट। हो चुकी है और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको भी दलिये के साथ एक तरफ रखते हैं। गैस ऑन करेंगे और गैस पे कुकर रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब इसमें मैं डालूंगी शाही जीरा। जीरा भून चुका है, अब इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज। देख रहे हो प्याज अब ब्राउन हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आलू। फिर डालूंगी जीरा। फिर डालूंगी मटर। मैंने अपने हिसाब से सीजनल वेजिटेबल लिए हैं
आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हो। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हो, आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, टोफू भी डाल सकते हो। अब मैंने लिया है कद्दू, पम्पकिन। इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, अदरवाइज पीपल डोंट लाइक इट, बट व्हेन यू कुक इट विद दलिया, द दलिया बिकम्स वेरी न्यूट्रिशियस। पानी सूख गया है और उनमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब बारी है इसमें शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च कभी भी ओवर कुक अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको सबसे लास्ट में डालूंगा। अब मैं डालूंगी इसमें दाल और दलिया। पहली विसल आते ही आपने गैस बंद कर देना है और कुकर को 2 मिनट के बाद खोल देना खोलने की। वाव, जस्ट सी, यू विल लव ईटिंग दिस टाइम। नाउ आई विल गार्निश इट विद लॉट्स ऑफ ग्रीन कोरिएंडर। इट्स अ फुल फ्लेश्ड मील, ईट इट एंड एंजॉय इट। Do share this recipe and do try it and share your feedback. Stay tuned to my channel. Be healthy and safe.